तो दोस्तों अभी होने जा रहा है बहुत ही शानदार मैजिक और इस मैजिक को हम दिखाने जा रहे हैं इस कार्डबोर्ड और इस पेन से तो यहां पर बुलाएंगे गौरव को गौरव आ जाइए और इस कार्डबोर्ड को आप पकड़िए अब हम देते हैं आपको एक पेन और इस पेन को आप पकड़िए सिंपली अब आपको क्या करना है कि जैसे कि किसी बच्चे को अगर पेन मिल जाए तो बच्चों वाली हरकत करके पेज को खराब कर देता है बर्बाद कर देता है तो फिलहाल आपके हाथ में है कार्डबोर्ड तो कार्डबोर्ड पे पूरा घिस कर आप इसे बर्बाद कर दीजिए तो यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं गौरव और लिख भी दिए हैं क्या लिख रहे हैं इसको पढ़कर बताइए आप बोले बर्बाद करने के लिए ना इसलिए बर्बाद <laughs> ये कोई भाषा ही नहीं लिखा है यहाँ पर बिल्कुल ये घस दिए हैं पूरा और यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या लैंग्वेज है या ऐसे ही बर्बाद किया गया है अगर इसे कोई देखेगा तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आकर इसे घसकर चला गया है तो गौरव आपने इसे लिखा है अब आप ही इसे मिटा दीजिए ये तो नहीं मिटेगा ना, पेंसिल से लिखा मिटता है पेन से थोड़ी ना पेन से लिखा हुआ कोशिश करने पर मिट जाएगा तो जैसा तो कि हम सभी लोग जानते जाने जाने हैं कि पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता है लेकिन पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है तो यहाँ पे गौरव ने लिखा है पेन से तो इसे मिटाना मुश्किल है जरा एक बार मिटा कर देखिए यहाँ से उतार देंगे ना हटा देंगे हटाना नहीं है बिल्कुल बच्चे वाली हरकत कर रहा है <laughs> तो ये तो बर्बाद हो गया अब कुछ नहीं करना है सिंपली आप इसे पकड़िए उसमें अच्छा से आया है ना और अब आप माचिस जलाकर इसे आग लगा दीजिए क्योंकि ये तो अब मेरे काम का रहा नहीं क्या तो इसे अब आग लगा देंगे हालांकि यहाँ पर हम पेज का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन पेज रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट की वजह से तो हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है तो यहाँ सिंपली आप इसमें आग जलाइए और ये आग जला रहे हैं और आपको यहाँ बोले थे आग जलाने के लिए तो यहाँ सिंपली आप देखिए और यहाँ जो भी लिखा हुआ है ये तुरंत वनिस हो जाएगा बस इस लाइट को दिखाने मात्र से ये देखिए इसमें दिखाइए अच्छे से आग भी बुझ गया और यहाँ पर लिखा हुआ जो भी था वो अच्छे तरह से मिट गया यहाँ पे कुछ भी अब लिखा हुआ नहीं है जो भी अक्षर था वो वैनिश हो गया है दोस्तों कमाल का यह मैजिक है कोई भी ऑडियंस आकर कुछ भी लिखेगा किसी भी पेज पर और आप उसे पलक झपकते वैनिश कर दीजिएगा जैसा कि अभी हुआ है इन्होंने कुछ लिखा था लेकिन लिखा हुआ बस आग जलाने से ही वैनिस हो गया तो इसका क्या रहस्य चलिए आपको बताते हैं तो दोस्तों इस खेल को करने के लिए हमें जरूरत होता है एक पेन का और एक कागज का यहां पर जो पेन है वो देखने में केवल नॉर्मल होता है यानी कि इस पेन से लिखा हुआ नहीं मिट सकता है नॉर्मल हाथ से लेकिन इस पेन से लिखा हुआ अगर आग के पास ले जाए और आग के ऊपर से हम इसे केवल ऐसे कर दे तो यह मिट जाता है गायब हो जाता है तो यह कमाल है इस पेन का यह पेन मैजिकली पेन है अगर आपको चाहिए तो आप मेरे शॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे शॉप से बहुत सारे मैजिक का सामान मिल जाएगा आपको अगर कोई भी जादू का सामान लेना है तो यहाँ दिया हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर है चौरानवे तीस चालीस इक्यानवे इक्यावन यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको प्राइस लिस्ट चला जाएगा तो यहाँ पर इस पेन से क्या करते हैं कि यहाँ सिंपली लिखते हैं लिखने के लिए बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस दस्ताना के पीछे का क्या रहस्य है तो दस्ताना को हम सिंपली क्या करते हैं कि एक दस्ताना हम पहन लिए हैं एक कॉटन का बना हुआ दस्ताना है सूती कपड़े का बना हुआ दस्ताना है तो इस दस्ताना को हम क्या किए हैं कि पहले इस पानी में भिगा लिए हैं यहाँ पर कोई भी फायर मैजिक करने से पहले पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है तो इसलिए हमने इसमें पानी से अच्छी तरह से भिगो दिया है यहां और एक दस्ताना इसके ऊपर जो कि सूखा हुआ हम पहनेंगे तो एक दस्ताना यहां नीचे जो कि भिगा दिया गया है पानी से अब इसमें से पानी हम हटा देते हैं अब इसके ऊपर हम पहन रहे हैं सूखा दस्ताना अब सूखा हुआ दस्ताना पहनेंगे आपने देखा होगा कि दिया जड़ता है गांव में या लालटेन जलता था तो वो कुछ फ्यूल से जलता था अगर उस माध्यम से अगर फ्यूल आग को मिलता था तो वह कपड़ा नहीं जलता था लेकिन वहाँ पर जो भी फ्यूल था वो जल जाता था अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता था इसके बाद ही कपड़ा जलता था तो यहाँ पे इस कपड़े को ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल के रूप में पेट्रोल हालांकि यहाँ पर जिप्पो का भी इस्तेमाल कर सकते थे जिप्पो लाइटर में डालने वाला तेल आता है तो यहाँ हम सिंपली इसे इसमें एक उंगली में हम अभी डाल लिए हैं और यहाँ पे गौरव ने इसे अच्छी तरह से घस दिया है अब हम ऑडियंस को बोलते हैं एक पेज लेकर यहाँ पे हमने कार्ड का इस्तेमाल किया है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा था इसीलिए इसमें ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है हालांकि उजला कलर का भी आप कॉपी का कोई भी पेज इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने इसमें आग लगाया है आप ऐसा मत कीजिएगा कि उंगली में आग जला करके आप इस कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ मिटाइएगा अब आप चाहे तो आप दिया से ही मिटा सकते हैं यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मिट जाएगा यहाँ पर मिट गया है अब जब मिट जाता है तो सिंपली हम इसे बुझा देते हैं बुझ गया है तो दोस्तों यहां पर जो भी लिखा हुआ था ये इजिली मिट गया है आग के ऊपर इसे ले जाने से यानी कि चाहे तो इसे लाइटर के मदद से भी किया जा सकता है या एक कपड़े में भी आग जलाकर किया जा सकता है आप दस्ताना पहनकर इस तरह का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही दिक्कत होता है इस तरह का मैजिक करने में तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट के साथ तब चलिए आज्ञा दीजिए नमस्कार